फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ नेचुरल कॉफ रेमेडी, बच्चों के लिए भी और जो ये एडल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी। जो कि आज आप लोग को पता ही है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। 2 सिनेमन हमें स्टिक लेना है और उसके बाद हमें अच्छी तरह इसको सिनेमन स्टिक को ब्लेंड कर देना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें अच्छे तरह इसको ब्लेंड कर देना है। ये मैंने पहले से करके रखी हुई थी। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये एंटी बैक्टीरिया आपकी ख़त्म करता है, वायरस को ख़त्म करता है। कोई भी वायरस हो, आपका सीना आपका जगड़ जाता है बिल्कुल, बच्चों का खास तौर पर ठंड में, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेमेडी है। प्लीज़ लाजमी ट्राई करिएगा। उसके बाद हमें नीड होगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, मीन्स काली मिर्चें, काली मिर्चियों का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं तो इसको आप पाउडर फॉर्म में इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, आप अच्छी तरह देखें पढ़ सकते हैं। ये रनी नोज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा ये जो रेमेडी है। तो उसके बाद हमें चाहिए होगी 10 टेबल स्पून हनी, रॉ हनी, कोई भी हनी ले सकते हैं आप। रॉ हनी हो तो ज़्यादा बेहतर है, नेचुरल होता है ज़ाहिर है आपको पता है। तो हनी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अल्लाह ताला ने वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिफा रखी हुई है हनी में, आप सब भी जानते हैं। हमें एक नीड होगी एक बॉल की, और जो भी हमने 10 टेबल स्पून हमने रॉ हनी लिया है उसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो हमें ये जो दालचीनी का हमने सिनेमन पाउडर का हमने पाउडर जो उसको ब्लेंड किया था, हम उसको रॉ हनी के अंदर उसको ऐड कर देंगे। मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है ये। तो उसके बाद हमें रॉ हनी के अंदर हमें ब्लैक पेपर जो है हमारा क्रश बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें उसको ऐड कर देना है हनी के अंदर। तो अभी हमने इसकी सारी चीज़ें इसके अंदर हमने मिक्स कर दी हैं, ब्लैक पेपर एंड सिनेमन पाउडर। तो अच्छी तरह हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर देना है, जब तक के लिए बिल्कुल सब मिक्स नहीं हो जाता। तो इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करते रहें। तो देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, ये आप देख सकते हैं इस तरह ये दिखने में लगेगा। ये हमारी रेडी हो चुका है कॉफ रेमेडी, और ये फ्लू के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत होगी कोई भी एयर टाइट जार, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई इसी तरह का जार हो, कोई भी एयरटाइट हमारे पास बाउल होता है जो हम किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप ये रख सकते हैं, बट एयरटाइट होना चाहिए। वैसे तो हनी आपको पता है ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, पर फिर भी एयरटाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये सिनेमन की आपको पढ़ सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शंस हो, कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारे सीने बच्चों को जगड़ जाता है उसको रिलीफ करता है, कोई भी पेन होता है तो उसको रिलीफ करता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको कोल्ड से बचाता है, ये फ्लू हो जाता है, काफ़ी चीज़ों से आपको हेल्प करता है। तो मेरे पास तो मैंने छोटा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था मेरे बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है। तो आप लोग को भी आइडिया होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यूज़ करके देखें। ये आप 3 से 4 महीने आराम से इसको रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होता है। तो आपको प्लीज़ अगर ये रेमेडी मेरी अच्छी लगी, ऑफकोर्स अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स करके बताएँ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।
और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाजमी कमेंट्स करके बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।